बॉलीवुड की इस समय सबसे हिट डांसर के तौर पर नोरा फतेही का नाम शुमार है। आज वह अपने टैलेंट की बदौलत इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। कोई भी एल्बम हो या बड़ी फिल्म, डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक समय था जब नोरा फतेही को बॉलीवुड में काफी कुछ फेस करना पड़ा था। हालिया एक इंटरव्यू में नोरा फतेही ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। वह आज भी अपने उस समय को याद कर रो पड़ती हैं। हालिया एक इंटरव्यू में नोरा ने बताया कि जब वह इंडिया आ रही थी तो काफ़ी एक्साइटेड थी। वह अपने काम से कैसे सभी को अट्रैक्ट करेंगी। फिर नोरा ने भारत आकर ढेर सारे ऑडिशन देना स्टार्ट किया। इस दौरान वह कई रिजेक्शन के साथ साथ बॉलीवुड के सबसे बुरे दौर से भी गुजरी। नोरा के अनुसार कनाडा से मुंबई आई तो नोरा फतेही का अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक बार नोरा को कास्टिंग डायरेक्टर ने खुद कॉल करके घर बुलाया, लेकिन इस फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर ने नोरा को काफ़ी बेइज्जती की, जिससे आज भी नोरा कभी भुला नहीं पाई हैं। नोरा ने बताया कि जब मैं सपने संजो कर इंडिया आई थी तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। मुझे लोगों ने बुली किया, मेरा पासपोर्ट चोरी किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैसे कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। मैंने 5 साल तक दर दर की ठोकरें खाई। मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाऊंगी या मेरी मेहनत अब रंग लाएगी, लेकिन जब मैं उस दरवाजे तक पहुँचती तो मेरे मुंह पर वह दरवाजा बंद कर दिया जाता था। नोरा अपने संघर्षों को याद कर कर रो पड़ी। लेकिन अगर हम देखें उस नोरा के स्ट्रगल को और आज की नोरा को, तो जमीन आसमान का फर्क है। आज नोरा एक ग्लैमर स्टार के रूप में जानी जाती है और हर कोई नोरा को पसंद करते हैं। अगर आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।